अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिफ्लेक्स एक्शन टुडे। आज हम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको स्पाइनल कार्ड के बारे में बताया था। स्पाइनल कार्ड जो है इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी वो रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर है जहाँ पे डिफरेंट रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो होते हैं। तो अब आप डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन असल में है क्या। दिस इज द इमीजिएट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। यह नर्वस सिस्टम का सबसे इमीजिएट रिस्पॉन्स होता है, जल्द होने वाला जो है वो रिस्पॉन्स है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बिना, ब्रेन को इसके अंदर शामिल किए बिना जो है ये रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करता है सेंटर आपका नर्वस सिस्टम। तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर जो है क्या होता है कि जब कभी भी व्हेन वी अनकॉन्शियसली टच एन ऑब्जेक्ट, जब कभी हम जो है बेखबरी में किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, एंड दैट मे डैमेज अवर बॉडी, और वो ऑब्जेक्ट जो है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, डैमेज कर सकता है। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, कोई गर्म जिस्म हो गया, जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है घर के अंदर कोई चीज़ पका रहे हैं या बॉची खाने के अंदर मौजूद हैं, तो किसी अगर हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका हाथ यूँ पड़ जाए तो अचानक से हम क्या करते हैं कि उससे हाथ जो है यूँ उठा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो है वो सेफ्टी हो जाती है, हमारी बॉडी जो है वो डैमेज होने से बच जाती है। अगर इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व हो तो क्या होगा कि एक पूरा प्रोसेस होगा कि रिसेप्टर्स जो हैं वो उस पेन को रिसीव करेंगे, स्पाइनल कार्ड में वो मैसेज जाएगा स्पाइनल कार्ड, फिर ब्रेन को भेजेगा, फिर ब्रेन जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू कमांड भेजे, और जब तक हम हाथ उठाएं तो हमारा हाथ जो है वो ज़्यादा डैमेज हो सकता है, जल सकता है। तो इससे में रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या होता है कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन जो है ये रिस्पॉन्स जो है होते हैं, और हम जल्दी से अपने हाथ को उस हॉट ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं, जिससे डैमेज जो है वो कम होता है। अब ये होता क्या है कि किस तरह होता है, व्हेन वी टच और हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, द एफरेंट न्यूरॉन, अब जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं कनेक्टिंग टू द स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड से कनेक्टेड होते हैं, एंड द बॉडी, और बॉडी के साथ मोस्टली जो मसल्स वगैरह होते हैं उसके साथ कनेक्ट होते हैं, सेंड मैसेज टू द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड का जो ग्रे मैटर होगा उस ग्रे मैटर को मैसेज करेंगे, यानी मिसाल के तौर पर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, टच करने के बाद वहां पे जो एफरेंट न्यूरॉन्स होंगे वो मैसेज करेंगे टू द स्पाइनल कार्ड के ग्रे मैटर को। अब ग्रे मैटर क्या करेगा, उस मैसेज को ट्रांसफर नहीं करेगा ब्रेन की तरफ, वहां से ही कमांड भेजेगा, और कमांड भेजने के बाद जो एफरेंट न्यूरॉन्स होंगे वो कमांड रिसीव करने के बाद वो मसल्स को जो है मैसेज करेंगे, और मसल्स जो है जल्दी से अपना जो है वो एक्शन दिखाएगा और हम हाथ जो है वो उठा लेंगे। तो कुछ देर के बाद आफ्टर जो है जब हम हाथ उठा तो कुछ देर के बाद वो मैसेज जो है बॉडी से दिमाग की तरफ जाएगा, फिर दिमाग जो है उसको एनालाइज करेगा और हमें जो है पेन महसूस होगा। पहले पेन महसूस नहीं होगा, बाद में महसूस होगा, पहले हम हाथ उठाएंगे। अगर हम वहाँ पे हाथ रखें और दर्द महसूस हो तो इट इज़ अ टू लेट, ये बहुत जल्द देर हो जाएगी और हमारे हाथ को हमारे जो है बॉडी को जो है वो नुकसान पहुँच जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये खुद ब खुद होने वाले अमल होते हैं जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कार्ड जो इन्वॉल्व होता है। जब कभी भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो स्पाइनल कार्ड जो है वो कमांड भेजेगा जल्दी से और हमारा हाथ उठ जाएगा, इसमें ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो आज ये हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्स एक्शन, यानी ऐसे अमल जो खुद ब खुद होते हैं उसको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमारा जो आपको बताया नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में मुश्किल होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, उसके बाद दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसी तरह होता है कि आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो हिस्से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है उसको कनेक्ट करने के लिए हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चाहिए। क्यों? क्योंकि इट कंटेंस ओनली नर्व्स, इसके अंदर सिर्फ क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स क्या करती हैं, इट्स फंक्शन इज टू कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारा स्पाइनल कार्ड जो हरा मगज होता है और जो हमारा ब्रेन होता है दिमाग, उसको पूरे जिस्म के साथ कनेक्ट करने के लिए जो नर्व्स हैं, जो तारे चाहिए हमें, वो हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इसके
नर्व्स जो हैं, दो किस्म के नर्व्स होते हैं इसमें, दो किस्म के रास्ते होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले होता है सेंसरी पाथवे। सेंसरी पाथवे को हम एफरेंट भी कहते हैं। अब ये क्या कहता है, प्रोवाइड इनपुट फ्रॉम द बॉडी टू द नर्वस सिस्टम। जिस तरह कंप्यूटर से हम कंप्यूटर अंदर क्या कहते हैं कि बाहर से इनपुट करते हैं कोई डेटा वगैरह कोई चीज़, तो इसी तरह क्या करते हैं कि ये बाहर से जो मैसेज आते हैं बॉडी से, वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होंगे, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन। तो वो इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल कार्ड में आएगी, फिर स्पाइनल कार्ड से फिर कहाँ आएगी, ब्रेन में आएगी। तो ये इनपुट करते हैं इंफॉर्मेशन बॉडी से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कौन से सेंसरी पाथ, ये रास्ता जो होता है वो। उससे होता है मोटर पाथ होता है, इसको एफरेंट भी कहते हैं। अब ये क्या करेंगे, कैरी सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कमांड मिलेगी सिग्नल्स की सूरत में, वो कमांड जो है वो रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद टू द बॉडी की तरफ मूव करेंगे, तो उस बॉडी क्या करेगी, आपका एक्शन करेगी, एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, जो स्पाइनल कार्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको पूरे जिस्म के साथ कनेक्ट करता है। इसके दो पाथ होते हैं, सेंसरी पाथ जो मैसेज लेके जाते हैं पूरी बॉडी से दिमाग की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और दूसरे होते हैं मोटर पाथवे, वो क्या करते हैं कि वो जो सिग्नल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो कैरी करके टू द बॉडी की तरफ जाते हैं। अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसके डिफरेंट जो है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हैं उसको जो फर्दर डिवाइड किया गया है, उसके मुख्तलिफ किस्म के नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चर, उसको इंशाल्लाह हम जो है वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।